हेलो गाइस, वेलकम टू द कार शो। आज आपके सामने है ऑल न्यू 2024 मारुति सुजुकी डिजायर। डिजायर 2024 का प्राइस 6.79 लाख रुपए से स्टार्ट होता है और जाता है 10.14 लाख रुपए तक। इस कार के अंदर आपके यहाँ पे चार वेरिएंट्स टोटल ऑफर किए जाते हैं, जो कि है LXi, VXi, ZXi और ZXi प्लस। आज की इस वीडियो के अंदर है हमारे पास इसका VXi वेरिएंट, यानी कि सेकेंड बेस वेरिएंट, और आज हम डिटेल में जानने वाले हैं कि क्या कुछ यहाँ पर इसके अंदर ऑफर किया जा रहा है। प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका बेस वेरिएंट का मैनुअल के अंदर प्राइस रखा गया है 7.79 लाख रुपीस, और ऑटोमेटिक के अंदर यानी कि AMT गियर बॉक्स के साथ इसका प्राइस रखा गया है 8.25 लाख रुपीस। तो दोनों के अंदर सिर्फ 45,000 रुपीस का डिफरेंस है, और ये आज हमारे पास AMT गियर बॉक्स वाली ही है, और आज हम देखेंगे कि क्या कुछ इसमें टोटल ऑफर किया जा रहा है। सबसे पहले आपको यहाँ पर इसमें कुछ इस तरह की मैट ब्लैक कलर के अंदर पूरी फ्रंट व्हील देखने को मिल जाती है। सेंटर में सुजुकी का लोगो है। फ्रंट व्हील के अंदर आपको यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट जो है वो ग्लॉसी ब्लैक में देखने को मिल जाता है, एंड क्रोम इंसर्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। बेस वेरियंट के अंदर ये चीज़ नहीं रहने वाली है, और कंपेरिजन भी इसका बेस वेरियंट के साथ मैं पोस्ट करने वाला हूँ, नीचे आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेडलैम्प यूनिट की बात करें तो यहाँ पर इसमें हेलोजन प्रोजेक्ट हेडलैम्प्स आ रहे हैं। यहाँ पर पार्किंग लाइट हेलोजन में और इंडिकेटर भी हेलोजन में ही देखने को मिलेगा। कोई भी फॉग लाइट यहाँ पर इसके अंदर आपको नहीं मिलने वाली है। बाकी ओवरऑल जो फ्रंट प्रोफाइल का लुक है वो कार का कुछ इस तरीके का यहाँ पर आपको मिल जाएगा वाइट कलर के अंदर। बाकी अगर अब हम बात करें इस कार के साइड प्रोफाइल के बारे में, तो ना साइड में आपको यहाँ पर इसमें देखने को मिल जाएंगे कुछ इस तरह के 14 इंचेस के स्टील व्हील्स, जो कि आएंगे C8 ब्रांड के टायर्स के साथ। फुल व्हील कवर है 165/80R14, इनमें यहाँ पर टायर प्रोफाइलिंग दी गई है, और यहाँ पर इसके अंदर आपको फ्रंट पे डिस्क ब्रेक्स मिलती है, पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स ही मिलेंगी। साइड से ऐसा कुछ यहाँ पर ओवरऑल कंप्लीट लुक आपको मिल जाता है कार का, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सब 4 मीटर कैटेगरी के अंदर ये कार आ जाती है। डोर हैंडल्स बॉडी कलर्ड रहेंगे, मिरर्स यहाँ पर बॉडी कलर्ड रहेंगे, इंडिकेटर भी यहीं पर इसी के ऊपर आपको मिल जाते हैं। रूफ आपको प्लेन मिलते हैं, कोई भी सनरूफ नहीं है इस वेरिएंट के अंदर। ZXi प्लस के अंदर आपको सनरूफ मिल जाएगी, पीछे यहाँ पे इसमें शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा। वाइपर्स भी देख लो कुछ इस तरीके का, आपको यहाँ वाइपर्स इसमें मिल जाते हैं, और ना यहाँ पर आपको स्पॉइलर भी देखने को मिलेगा इसके बूट में, चाहे बेस लो चाहे आप टॉप एंड वेरियंट ही क्यों ना लो इस कार का। बाकी यहाँ पर इसके अंदर आपको रियर डिफॉगर मिलता है, ब्रेक लाइट मिलती है, और पीछे से कुछ इस तरह के यहाँ पे लुक्स आपको मारुति ऑफर कर रही है इस नई डिज़ायर के अंदर। LED के अंदर आपको यहाँ पर इसमें टेल लैम्प्स जो हैं वो देखने को मिल जाती हैं कुछ इस तरह की। यहाँ पर ये कंप्लीट LED टेल लाइट्स है। डिज़ायर की बैजिंग, सुजुकी का लोगो, ग्लॉसी ब्लैक पूरे इंसर्ट्स, क्रोम इंसर्ट्स आपको मिलेंगे, 4 पार्किंग सेंसर्स हैं। कैमरा यहाँ पर मिसिंग रहने वाला है इस वेरियंट के अंदर। बाकी तो लुक्स काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहे हैं। आपको कैसे कुछ लग रहे हैं मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बैक साइड लुक कार की कुछ इस तरीके की यहाँ पर ही रहने वाली है। इंडियंस को ना बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है डिज़ायर, और इसके सेल फिगर्स बताते हैं। 4th हाईएस्ट सेलिंग कार है ये इंडिया के अंदर अभी फिलहाल, चाहे पुरानी जनरेशन क्यों ना ले लो, अब तो पूरी नई हो चुकी है, और अब आ चुकी है 5 स्टार बिल्ड क्वालिटी के साथ। 5 स्टार इस कार ने स्कोर किए हैं अपने क्रैश टेस्ट रेटिंग के अंदर। बाकी डोर ट्रिम्स की अगर बात करें तो यहाँ पर ही आपको इसमें पूरी ड्यूल टोन के अंदर देखने को मिलेंगे, एंड यहाँ पर आपको ऑल फोर पावर विंडो कंट्रोल्स मिलते हैं। मेरा फोल्डिंग और एडजस्टिंग दोनों आपको मिल जाती है अंदर से ही कार के। फैब्रिक फिनिशिंग, बॉटल होल्डर, स्पीकर आपको सब कुछ दिया गया है, लेकिन ट्विटर आपको यहाँ पर ये नहीं मिलने वाला है। डोर ओपनिंग अच्छी खासी मिल जाती है कार के अंदर, एंटी एग्जिट करने में आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। सीट्स के अंदर हाइट एडजस्टमेंट भी है इस वेरिएंट के अंदर, लोअर वेरिएंट LXi के अंदर हाइट एडजस्टमेंट नहीं थी। कीज़ कुछ इस तरह की आ जाती है लॉक अनलॉक के ऑप्शन के साथ, एंड बेसिक कीज़ है, कोई भी इसमें चेंज नहीं है। बाकी इसको आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो, एंड कार का मैंने इग्निशन ऑन कर दिया है। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें, एक AC वेंट है, नीचे ट्रैक्शन ऑन ऑफ का स्विच है, ऑटो इंजन ऑन ऑफ है, हेडलाइट लेवलर है, रिवर्स नीचे मिलेंगे, एक से हुड ओपन होगा, एक से फ्यूल टैंक ओपन होगा, और यहाँ से आप इसका बूट ओपन कर सकते हो। दो पेडल्स हैं, क्योंकि ये आज हमारे पास ऑटोमेटिक वाली वॉइस कमांड वगैरह सब कुछ आपको मिल जाते हैं, एंड डैशबोर्ड लुक काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। और एक और चीज़ इस कार के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है, जो कि है ये इन्वॉल्व रेन फॉरेस्ट का एप्रिकॉट वनीला एयर परफ्यूम। ये परफ्यूम बहुत ही ज़्यादा सूदिंग एंड रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस आपको ऑफर करता है, मतलब ना एक फ्रेश फ्रूटी एहसास आपको मिलेगा इसको कार के अंदर स्प्रे कर देने के बाद। यहाँ पर ना कुछ इस तरह का एक हैंगिंग टैग मिलता है इस परफ्यूम के साथ, जिसके ऊपर कि ना आपको सिंपली इसे कुछ इस तरीके से दो बार
स्प्रे कर देना एंड उसके बाद जो उसकी फ्रेग्रेंस है ऑटोमेटिकली आपकी पूरी कार के अंदर फैल जाएगी। एंड ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही ज़्यादा सूदिंग एंड रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस आपको फील होगी इसको स्प्रे करते ही, मज़ा ही आ गया। बाकी दकाशो कूपन कोड यूज़ करोगे फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये बॉटल इजिली 2 to 3 months तक आपकी कार में लास्ट कर जाएगी। बाकी यहाँ रख देते हैं इसको, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं। कुछ इस तरह का ही आपको व्हाइट एंड रेड इल्यूमिनेशन के साथ देखने को मिलता है। सेंटर में इस पर छोटे साइज की MID स्क्रीन, स्टेयरिंग व्हील कुछ इस तरह का है मीडिया एंड टेलीफोनी कंट्रोल्स के साथ। एडजस्टमेंट आपको सिर्फ और सिर्फ टिल्ट मिलती है इसके अंदर। स्क्रीन आपको यहाँ पर 7 inches की ऑफर की जा रही है। वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले दोनों ही आपको यहाँ पर इसमें ऑफर किए जा रहे हैं। और तो और आपको यहाँ पर इसमें AM/FM ब्लूटूथ USB जैसे बेसिक फीचर्स तो मिलते हैं। कार के रिलेटेड भी आप यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ओवरऑल चेकआउट कर सकते हो। टॉप एंड के अंदर ये पूरा ग्लॉसी ब्लैक आएगा, स्क्रीन साइज भी बढ़ जाएगा। 2 AC vents हैं, 1000 लेट का स्विच है। AC कंट्रोल्स देखने में तो ऑटोमेटिक लगता है लेकिन ये फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, ये सिर्फ डिस्प्ले बेस्ड है मैनुअली। आपको यहाँ पे कहीं पे भी ऑटो का स्विच वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। 2 बॉटल होल्डर्स हैं, स्टोरेज स्पेस है, 12 वॉट्स का पावर आउटलेट है, USB का पोर्ट है, ऐसा कुछ गियर लिवर है। रिवर्स गियर लगाने पर आपको यहाँ पे कैमरा का डिस्प्ले नहीं मिलेगा लेकिन रिवर्स पार्किंग सेंसर्स का डिस्प्ले जरूर से आ जाएगा। बलेनो क्यों बनाई हुई है मारुति, डिजायर है ये डिजायर। बाकी चलो यहाँ पर इसके अंदर हैंड ब्रेक आ जाती है, फिर यहाँ पे USB के पोर्ट्स है Type-A Type-C दोनों फोन वगैरह चार्ज करने के लिए। पीछे की तरफ बाद में जाएंगे और आर्म रेस्ट मिसिंग है भाई, टॉप एंड में तो दे देते हैं। चलो ये तो VXI है फिर भी। और यहाँ पर इसमें सीट्स कुछ इस तरह की आने वाली हैं, बेज कलर के अंदर ये कंप्लीट रहने वाली है। एंड ऐसा कुछ यहाँ पर इसका फैब्रिक है थोड़ा थोड़ा गंदा भी होने लग गया, चलो कोई नहीं अब क्या ही कर सकते हैं। और ठीक है, कंफर्ट वगैरह अच्छा है, कुशनिंग वगैरह अच्छी है, कोई आज तक कमी आपको नहीं लगेगी। यहाँ पर आपको नॉर्मल साइज का ग्लव बॉक्स भी इसमें जो है वो मिल जाता है। बाकी तो ओवरऑल कैबिन मेरे को बताओ कमेंट करके कैसा कुछ ही आपको लग रहा है। 4 टोन्स आपको यहाँ पे बेसिकली इसमें मिल जाती हैं। बाकी तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो जरूर से वीडियो को लाइक और साथ साथ ना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और ऊपर की बात करें तो यहाँ पर आपको सनशीट के अंदर वैनिटी मिरर मिल रहा है, लाइट हेलोजन वाली आपको मिल रही है, मैनुअल डे एंड नाइट आपको यहाँ पर IRVM मिल रहा है। इधर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है सिवाय एक टिकट होल्डर के, सनरूफ से टॉप एंड में आएगी। सेफ्टी की बात कर लेते तो यहाँ पर इसमें 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड ऑफर किए जा रहे हैं, फ्रंट 2, साइड कर्टन, सीट्स के साइड्स पे भी एयरबैग्स हैं। बाकी तो आपको यहाँ पर इसमें ABS एलईडी, ब्रेक असिस्ट, आइसोफिक्स सीट माउंट्स, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स इस कार में मिल जाते हैं। और अब ना हम बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में। तो यार देखो इसके अंदर ना बेसिकली एक ही इंजन ऑप्शन आ रहा है एंड इसी को ट्यून करके इन्होंने CNG के अंदर भी ऑप्शन इसका दे दिया। ये पेट्रोल वाली आज हमारे पास एंड ये इंजन इसके अंदर प्रोड्यूस करता है 82 PS की पावर और 112 Nm का टॉर्क, 25 kg की ओवरऑल एयर ए क्लेम्ड माइलेज है। इंसुलेशन यहाँ पर इसमें दी जाती है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर जी सीरीज वाला पेट्रोल इंजन है मारुति सुजुकी की तरफ से। फिलहाल बंद करते हैं इसको एंड चल लेते हैं रियर सीट में, देखते हैं कि रियर में क्या कुछ यहाँ पर ऑफर कर रहे हैं मारुति वाले डिज़ायर में। एंड सबसे पहले डोर पैड कुछ इस तरीके का ही आपको मिलेगा, ड्यूल टोन के अंदर अगेन ही आपको पूरा मिल जाता है। यहाँ पर इसमें पावर विंडो का स्विच, बॉटल होल्डर, स्पीकर मिल जाता है। 4 स्पीकर यूनिट्स यहाँ पर आ रहे हैं और फिटर्स वगैरह कुछ भी नहीं आएंगे इस वेरियंट के अंदर। एडजस्टेबल हेडरेस्ट है यहाँ पर इसके अंदर और एक अच्छी बात है यहाँ पर इस वेरियंट के अंदर आपको आर्मरेस्ट भी मिलेगा। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो मैप पॉकेट्स हैं इस साइड पे नहीं है, यहाँ पे AC वेंट आपको मिलता है, नीचे 12 वॉट्स का पावर आउटलेट वगैरह आपको नहीं मिलेगा। डैशबोर्ड लेआउट कुछ इस तरीके का रहने वाला है यहाँ पर इस वेरिएंट का, ये भी अच्छा खासा लग रहा है। और तो स्पेस वगैरह की अगर हम बात करें तो स्पेस में कोई कमी नहीं है, काफ़ी अच्छा नी रूम है, लेग रूम है और हेडरूम भी डिसेंट आपको यहाँ मिल जाएगा। मेरी राइट 6 फीट है फॉर रेफरेंस, थोड़ा सा अंडर था सपोर्ट, और बढ़िया हो सकता था इसका। बाकी कुशनिंग वगैरह नो डाउट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ पर अगर इसके खोलने की ट्राई करें तो इसके अंदर यहाँ पर हमें 2 बॉटल होल्डर्स मिल जाएंगे, बाकी यार पैक्ड है पूरी, जो खरीदेगा वही खोल लेगा। और एक लाइट यहाँ पे भी आ जाती है जो कि हेलोजन में ही अगेन आपको मिलेगी। और अब हम फिर से चल लेते हैं कार के बाहर एंड ना चेक कर लेते हैं इसका बूट एरिया। तो यहाँ से हम खोल सकते हैं इसका बूट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेल गेट ओपनर बटन यहाँ पर इसमें मिलता है, या फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि यहाँ पे इसको पुल करके भी हम इसका जो है टेल गेट ओपन कर सकते हैं। ये आप देख लो एक बारी बटन भी, कार अभी वैसे लॉक थी तो पहले यहाँ से हुआ नहीं था। एनीवेज ये है इसका बूट एरिया, 382 लीटर्स का यहाँ पर इसमें बूट स्पेस है, यहाँ पर आपको कोई भी कवरिंग नहीं मिलेगी। एंड ये आप स्पेस चेकआउट करो, लाइट यहाँ पे है अवेलेबल, यहाँ पर इसमें स्पेयर व्हील है 14 इंचज का ही। ओवरऑल कैसा कुछ लगा बूट एरिया आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। और ना अब हम बात कर लेते हैं इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में। तो 8.24 लाख रुपीज़ इसका एक शोरूम प्राइस रखा गया, 9.55 लाख रुपीज़ की एक कार आपको ऑन रोड पड़ेगी चंडीगढ़ के अंदर। कार कैसी कुछ लगी मेरे को आप कमेंट सेक्शन में
ज़रूर से बताना मेरे को, तो यार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी। 5 स्टार अब आपको यहाँ पर सेफ्टी रेटिंग इसमें मिल रही है। बाकी साथ ही मैंने आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा इन्वॉल्व के एप्रिकॉट वनीला एयर परफ्यूम का, इसे जाकर ज़रूर से बाय कर लेना। बहुत ही बढ़िया सी फ्रेग्रेंस आपको फील होगी इसको स्प्रे करने के बाद। बाकी तो चलो यार इतने रखते हैं वीडियो के लिए। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसी लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।